नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर चल रहा है, क्वेश्चन नंबर चलेगा 2019। अभी पीछे वाली वीडियो में कराया है, आप देख सकते हैं उसे 20 कराते हैं। अभी 18 फिर भी रह रहा है, करा देंगे से भी। तो शिवानी पढ़ना 20। हाँ ठीक है, प्रॉफिट हमें दे रखा, कितने साल का दे रखा बेटा? एक दो तीन, तीन साल का दे रखा हमें। फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, और साथ ही साथ हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दे रखा है 1 रुपये के लिए 5 साल के लिए। कितनी है? 3.78। अगर ये एन्युटी वैल्यू 1 रुपये से ज़्यादा है, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगते 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 ये हो जाएगी, है ना। अगर अगर क्या कहना है, एन्युटी वैल्यू 1 रुपये से ज़्यादा है तो हम क्या यूज़ करते हैं? मल्टीप्लाई वाला। और 1 रुपये से कम हो तो डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। सुपर प्रॉफिट आ जाने के बाद, और उसके बाद क्या लिखा इसमें? प्रॉफिट, द प्रॉफिट, पांचवा नंबर। ठीक है, तो हमारे नॉन रिकरिंग जो प्रॉफिट है वो कितना है इसमें? 3,000 रुपये जुड़ा हुआ है एवरेज बेसिस के हिसाब से। तो हमें ये नहीं बोला गया किस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड है, ऐसा नहीं बोला गया, एवरेज बेसिस से कहा गया। तो मतलब हम लास्ट में एवरेज निकालने वाले से माइनस जरूर करेंगे, क्योंकि ये जुड़ा होना नहीं चाहिए था, लेकिन जुड़ा हुआ है तो माइनस जरूर करना पड़ेगा। आगे बढ़ो। और एन्युटी मेथड, ठीक है। हाँ ऐसे ऐसे लिखा होना चाहिए। शिवान लेना कैलकुलेटर, ठीक ठीक। चीटिंग करनी है? चीटिंग मैंने कहा, ये तो कहाँ करती है चीटिंग, कैलकुलेटर से तो बताती है। अच्छा से पहले तो हाँ 20 पे करेंगे आप, आपके नाम 21 लिखा होगा उसमें, है ना। कल दिन कौन सा है? कल जुम्मा है, फ्राइडे। कल ये एंड हो जाएगा चैप्टर, खत्म है। हाँ अच्छा, हाँ बचे कितना सा है? 21 या 22 को पूछ, वो ऑब्जेक्टिव, सारे इसके ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर नहीं चलेगा? हाँ नहीं, इस चैप्टर के आपको ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे जिसकी वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन हाँ ये बच्चे खुद करेंगे जो वीडियो वाले हैं, क्योंकि जितना सीखा है इसके हिसाब से चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो 20 के अंदर हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 3 साल का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो हमें लिखते हैं हमेशा वो लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि कितना है? 3 लाख, है ना। फिर रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% रिटर्न, 10% है। फिर साथ में ही हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ये तो तीन चीज़ें पता चल गई। कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख का, 3 लाख पे हम निकालेंगे 10%, जो कि होता है 30,000, है ना। फिर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे जो कि हमें दे नहीं रखा। प्रॉफिट कितना प्रॉफिट इसमें पहले में? 50,000, फिर 60,000, फिर 55,000, फिर डिवाइड करो 3 से, जोड़ना जरा, 1 पैसठ आएगा। 1 पैसठ को 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा? 55,000। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अब इतना आने के बाद हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 55,000 माइनस, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखो, अभी हम जल्दबाजी में खत्म हो जाते हैं, ये क्वेश्चन खराब हो जाता है। हाँ रेमुनरेशन माइनस करने के लिए कुछ है इसमें क्या? नहीं है, लेकिन नॉन रिक्योरिंग इनकम है, रेमुनरेशन कहाँ है इसमें, है ना। हाँ वो भी भूल जाते ना, नॉन रिक्योरिंग इनकम या प्रॉफिट किस नाम से रखा है? ठीक है प्रॉफिट है, नॉन रिक्योरिंग प्रॉफिट हमें गिवन है, कितना था इसमें? 3,000, तो इसे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 52। ये हमारे लिए ज़रूरत वाली चीज़ है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 52,000 ये हो गया, माइनस करना है 30,000, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास?
22,000। बताओ इसमें कोई दिक्कत? अब पहला मेथड हमसे बोला था क्या करने के लिए, परचेस, 5 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो फर्स्ट मेथड से गुडविल निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज या फिर परचेज ईयर, एक ही बात। तो सुपर प्रॉफिट है 22,000 इनटू करेंगे, राइटिंग खराब सी हो रही है, राइटिंग सही नहीं आ रही ना, पता नहीं वीडियो में आ रही होगी। 22,000 इनटू नंबर ऑफ 5 है ना, मल्टीप्लाई करो 1,10,000 आ जाएगा ना। फिर गुडविल दूसरे वाला मेथड है जिसका जो पूछ, ये इसके बाद का नहीं क्या वो 3,000। हाँ तो मल्टीप्लाई तो सभी कर लो, मल्टीप्लाई मैंने पूछा सही है ना, ठीक है। आगे है एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट उसके हिसाब से हम लिखते हैं सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन परसेंटेज। ये वाला मेथड तभी यूज करना होता है जैसे हमें नहीं दे रखा नंबर ऑफ परचेज ईयर वगैरह और कंडीशन में नहीं हम कुछ कर सकते हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि इसमें अगर नंबर ऑफ ईयर ना दे रखा तब भी काम चलाता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन परसेंटेज। इसमें क्या चीज होता है, नंबर ऑफ ईयर। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हम लिखेंगे कितना, 22,000 इंटू 100 अपॉन परसेंटेज कितना था, 10 था ना, ठीक है। तो काट देते इसे तो कितना का 2,00,000, आंसर चेक करो आ गया। तीसरा मेथड ही करो, ये देखो वैसे दिख जाएगा इसमें, देखो फ्रेम आ रहा है इतना सा, चलो यही कर लेता हूँ साइड में। नंबर 3, तीसरा मेथड है एनईडी मेथड। एज पर एनईडी मेथड के हिसाब से गुडविल इक्वल्स टू एसपी। अब SP संग नीचे डिवाइड में आएगा या मल्टीप्लाई में आएगा डिपेंड करता है एन्युटी वैल्यू। अगर एन्युटी वैल्यू 1 रुपये से कम है मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो डिवाइड में रखोगे इसको, SP अपॉन एन्युटी वैल्यू। अगर 1 रुपये से ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई वाला, तो अभी क्या है मल्टीप्लाई वाला, हाँ एन्युटी वैल्यू, ठीक है। तो ये 22,000 था इंटू कर दो 3.78, ये था ना, बोलो बोलो कितना, 83,000, बहुत बढ़िया, ठीक है इसे कर लो। चलो ऐसे कर लो, आप लोग भी नोट कर लो जो वीडियो देख रहे हैं। इससे अगला वाला क्वेश्चन काफी हद तक मैच करता है, मतलब इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो काफी हद तक मैच करता है, हाँ इसमें 21 जो है वो आपके लिए 22 है। तो अगर नोट कर लिया तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को अपने कॉलेज के बच्चों के साथ सभी में शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करवाना। बाय बाय, टाटा।